अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए फोन लाइने खोलने के पहले मुद्दे को देखते हैं। ।2014 के लोकसभा चुनाव में जिस कदर बीजेपी ने भगवा परचम लहराया है, उससे कई राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को खतरे में देख रही हैं। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी सहित शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पार्टी के तमगे से वंचित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जवाब देने के लिए तीनों दलों को 27 जून तक का वक्त दिया था। अब इस मामले में चुनाव आयोग को फैसला करना है कि इनका क्या करना है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में तीनों पार्टियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद क्यों न नेशनल पार्टी का उनका स्टेटस छीन लिया जाए। चुनाव आयोग की इन शर्तों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के लिए किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में कम से कम 6% हो या 3/4 लोकसभा सीटों पर कम से कम 2% वोट मिलने चाहिए या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के तौर पर उसकी मान्यता होनी चाहिए। NCP, BSP और CPI अब इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है। यही वजह है कि इन पार्टियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का टैग छीना जाता है तो उसके बाद सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और CPIM ही राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में बचेंगे। अब आपको रूबरू कराते हैं क्षेत्रीय दलों से। पिछले 5 साल में क्षेत्रीय दलों की संख्या में 600 की बढ़ोतरी हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां देश भर में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 1016 थी, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में दलों की संख्या 600 बढ़कर 1616 हो गई। वहीं बात करें ओवैसी की पार्टी MIM की, तो MIM की स्थापना 1627 में हैदराबाद के निजाम की सलाह पर हुई थी। आजादी के बाद इसके देश विरोधी रवैये को देखते हुए सरकार ने 1947 से 1957 तक प्रतिबंध भी लगाई थी। आज ओवैसी भाई इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और निजाम के दिखाए रास्ते भी अख्तियार कर रहे हैं। अपने देशद्रोही और देश विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी हैदराबाद को छोड़कर कहीं और पैठ नहीं बना पाई, लेकिन अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव भी लड़ा और सीटें भी जीत। अब ओवैसी भाई धीरे धीरे दिल्ली की सियासत में अपनी सियासी जमीन तलाशने की जुगत में लगे हुए हैं। क्या ऐसी देशद्रोही पार्टी को चुनाव लड़ने देना चाहिए? यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय राजनीति के लिए इस पार्टी का देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना कितना सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे में हमेशा की तरह बेखौफों का आपको बोलना है। हम बिंदास में वैसे गेस्ट ज्यादा नहीं बुलाते, लेकिन